हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ये द हिंदू का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि DU SAS के लिए 2 लाख बच्चों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर कर लिया है DU के लिए, ओनली DU के लिए। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और आपको ये पता है कि 2,03,662 बच्चों ने एनरोल किया है। 71,000 सीट के लिए, 71,000 के लिए, वो 91 अंडर ग्रेजुएट के लिए। और आपको ये पता है कि कितना डिफ़िकल्ट जो है एग्ज़ाम होने वाला है। और लास्ट ईयर जो थे 85,000 के अराउंड जो है रेट आता, अभी बढ़ के जो है 2 लाख यानी कि 2 लाख हो गया। ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करें कि बेटा जो आपकी जो प्रेफरेंस शीट है उसको अच्छे से अच्छे भरिए। अगर आपको उसको लिए कोई पेड कोर्स भी लेना पड़ता है, आपको जहाँ से हेल्प मिलती है आप अपने हिसाब से, या एक किसी टीचर की हेल्प से जो है आप अपने कॉलेज की जो प्रेफरेंस शीट है ना, और जो कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी है आप उसको चेक करके ही अपनी जो है प्रेफरेंस शीट तैयार करें। रही बात उसकी आंसर की, तो आंसर की भी बहुत जल्दी जो है रिलीज कर दी जाएगी। अभी यही है कि डिफ़िकल्टी जो डिफ़िकल्टी का जो सिचुएशन है, जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो काम करना चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंस शीट, क्योंकि एग्जाम जो है DU के लिए एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। टेंशन नहीं करनी है बच्चे, किसी को भी कोई भी हेल्प हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टाटा।